मैराथन के हमारे नेशनल एथलीट भाई सुमीर शर्मा जी का आज पौंटा साहिब आगमन हुआ और आम आदमी पार्टी के हमारे युवा साथियों ने इनका स्वागत किया और इनको मैं बधाई देना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के परिवार में जुड़ने पर और इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जो लड़ाई इन्होंने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को तो खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए जो लड़ रहे हैं उसके लिए मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और मैं भाई सुमीर जी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम सभी युवा साथी आपके साथ पूरी ताकत से प्रदेश के युवाओं की जो खेल नीति है जिसको बनाने के लिए आप पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी का कुनबा पूरे प्रदेश के अंदर भरता जा रहा है और विशेष तौर पर जो युवा साथी हैं हर एक विधानसभा से काफ़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, चाहे दूसरे और भी वर्ग, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, महिलाएं हैं, हर एक तादाद में आम आदमी पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि टू पार्टी सिस्टम था, कांग्रेस और बीजेपी, और जब लोग कांग्रेस से नाराज हो जाते थे तो वो बीजेपी को चुनते थे और जो बीजेपी से जब नाराज होते थे कांग्रेस ही हो जाते थे। लेकिन दोनों पार्टियों की जो आपस की जो IPL की सेटिंग है और आज की डेट में एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जो उभर कर सामने आई है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है आम आदमी पार्टी की ओर निगाह लगाए बैठी है और अरविंद केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनका जो विजन है और जो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इस देश के अंदर उभर रहे हैं सारे युवा साथी, उनके अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उसी भविष्य को देखते हुए नौजवान साथी आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और मैं भाई सुनील जी का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ और चाहूँगा कि आप भी मीडिया के सामने अपना वक्तव्य रखें कि किस तरह से हम खेल नीति को आगे प्रोत्साहित करें और प्रदेश के अंदर किस तरह की खेल नीति होनी चाहिए जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो सके और सुनहरा हो सके। भाई सुनील, सबसे पहले तो भाई मनीष जी, हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता आप पार्टी जयप्रकाश जी और यहाँ पर सतीश कुमार जी और बाकी जितने भी साथी हैं यहाँ पे, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा इस वार्म वेलकम के लिए। और अपने युवा साथी को और जो आप स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात कर रहे हो, मैं युवा साथी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब हम बात करते कि आप खेलों में अपनी रुचि दिखाइए और भारत के लिए आप मेडल लेके आइए, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमारी सरकार है वो तो खिलाड़ी के बारे में सोचे। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बट आप ये देखिए कि हमारे हिमाचल में ग्राउंड कितने हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कहीं पे भी ग्राउंड नहीं है। इतना बड़ा हिमाचल, अगर हम बात करते हैं दूसरे कंट्रियों की तो वहाँ पे अभी हाल ही में चाइना में 2000 ग्राउंड बने, तभी चाइना और US हमेशा स्पोर्ट्स में आगे हो गए। अगर आप चाहते हो कि यूथ की आप एनर्जी सही जगह लगाना चाहते हो तो उनके लिए आप प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको आप स्पोर्ट्स में जॉब की सिक्योरिटी दीजिए, उनका मान सम्मान बढ़ाइए, तभी ये खिलाड़ी बनता है। खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता है, मेडल कभी पेड़ पे नहीं उगते, जो पैसा आता है वो नेता लोग खा जाते, खिलाड़ी को कुछ नहीं मिलता। जिनके पेट फटने को होते, जिनके कभी पेट ही नहीं भरते, उन पैसा वो लोग खा जाते, खिलाड़ी जो बेचारा ग्राउंड में पसीना आता है उसे कुछ नहीं मिलता है। ना तो उनके लिए कोई पॉलिसी बनती है, और सिर्फ पॉलिसी बनती है मंत्री, विधायक और सांसद के बच्चों के लिए। मैं पिछले 6 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने लिए नहीं, मेरे आने वाले यूथ के लिए, मेरा टाइम तो निकल चुका है, मैं जितना मैंने खेला था खेल चुका हूँ और वैसे भी मेरी 40 साल के आसपास उम्र हो चुकी है। अगर ये मुझे जॉब भी देते तो क्या देते, कितने साल देता, पर जो आने वाला यूथ है वो कब स्पोर्ट्स में आएगा, वो तभी स्पोर्ट्स में आएगा जब उसे अपना भविष्य दिखेगा कि इसमें मेरा भविष्य है। ये राफ्टिंग के लिए स्कीम के लिए पॉलिसी बनाते, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राफ्टिंग कितने कंट्री
ऐसी कितनी कंट्री है जहाँ पे राफ्टिंग होती है, या आप कंट्री की बात छोड़िए, आप हिमाचल में बताइए कि कुल्लू मनाली को छोड़ के और कहाँ पे राफ्टिंग होती है। आप स्कीइंग के लिए पॉलिसी बना रहे हो, स्कीइंग आप पंजाब में कर सकते हो या राजस्थान में कर सकते हो। आप क्रिकेट की, मैं ये नहीं कहता कि आप क्रिकेट को इतना बढ़ावा क्यों देते हो, हर गेम के लिए बढ़ावा देना चाहिए, मैं किसी भी गेम के खिलाफ नहीं होता, बट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। आप जो हमारी राष्ट्रीय खेल है हॉकी, आप उसको भूल गए। फुटबॉल में हम कहीं टॉप 100 में भी नहीं आते, आप फुटबॉल को भूल गए हो। आप एथलीट जो जिसमें मैक्सिमम कंट्री पार्टिसिपेट करती है, आप एथलीट को भूल गए हो। आप सिर्फ पॉलिसी बना रहे हो अपने जो आपके चहेते हैं या आपके अपने उन लोगों के लिए। आप अपनी जो आपने बैकडोर एंट्री दी है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो DSO बनाया है अनुराग वर्मा जी को, अब उनकी क्या अचीवमेंट है आप बताइए, और कितनी बैकडोर एंट्री आप लोगों ने की। पॉलिसी क्या सिर्फ उन लोगों के लिए बनती है? आम आदमी के लिए पॉलिसी नहीं बनती है, किसान की बेटी के लिए पॉलिसी नहीं बन सकती। अब टाइम आ गया है परिवर्तन का। जब एक खिलाड़ी को अगर राजनीति में उतरना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब परिवर्तन का टाइम आ चुका है। खिलाड़ी खेल में ही अच्छा लगता है, मैदान में अच्छा लगता है, बट बड़ा दुख होता है कि अगर आप राजनीति में खेलों को लाते तो बहुत अच्छा होगा, खेलों में राजनीति मत कीजिए। मैक्सिमम पोस्ट पे जो बैठे हुए बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए, जिनको ए और बी नहीं पता कि स्पोर्ट्स क्या चीज होगी, वो क्या स्पोर्ट्स का, वो क्या भविष्य बनाएंगे एथलीट का, वो क्या भविष्य बनाएंगे खिलाड़ियों का। ये लोग सिर्फ इनके चुनावी वादे होते और धरातल पे कुछ नहीं होता। मैं सभी युवा साथियों से एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप ऐसी सरकार लाइए जो शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और खेलों के ऊपर सब चीजों पर ध्यान दे। ईमानदार सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, सिर्फ बातें करने से नहीं होगी। मैक्सिमम माफिया तो इन लोगों ने पाले हुए, आम आदमी की तो कहीं पूछ ही नहीं होती, कोई पूछता ही नहीं है आम आदमी। अब टाइम आ गया परिवर्तन का। मैं भाई मनीष जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि आप जैसे साथी जब युवा साथियों को गाइड लाइन्स देंगे और आपके साथ जब युवा साथी जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आने वाला है। सुनील जी, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? मैं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हुआ, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो खेलों की बात हो। मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे कल वहाँ पे ज्वाइन करवाया और उन्होंने मुझे बताया कि हम आप जैसे लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब खिलाड़ी, हम जो खिलाड़ी लोग होते, जब हम खेलते तो हम पढ़ाई को छोड़ जाते या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पढ़ पाए, या तो आप खेल कर सकते हो या पढ़ाई। बट अब एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स के साथ आप अपनी डिग्री कर सकते हो, अपनी मास्टर्स कर सकते हो, अपनी PhD कर सकते हो, और आपको एक छत के नीचे हॉस्टल भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी और स्पोर्ट्स भी मिलेगा, तो तभी भारत आगे बढ़ पाएगा और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आएगा। खेलकूद में क्या मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए और नहीं है? जब हम बाहर जाते हैं, जैसे हम अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था फ्रांस में, और वहाँ पे US हमारे साथ ही था, तो जब हम उनकी फैकल्टी, उनके डॉक्टर्स, उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनके डाइटिशियन, उनकी किट बहुत आला दर्जे की होती है और हम कहीं स्टडी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना में 2000 ट्रैक बन गए। जब खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी खेल पाएगा, तभी मेडल आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मैं अगर सिरमौर की बात करूँ, हमारा सिरमौर इतना अच्छा है जहाँ से इतने युवा साथी, मैं कहता हूँ कि हिमाचल में अगर सबसे टफ कंडीशन में रहते तो हिमाचली रहते, सिरमौर के लोग रहते जो पहाड़ी एरिया में रहते, वो नेचुरल फिट होते हैं, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके पास, हम जब आर्मी की भर्ती की बात करते हैं, जो हमारे युवा साथी हिमाचल और पंजाब से, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग आर्मी में कहाँ से होते, पंजाब और हिमाचल से। मेरे युवा साथी जो दौड़ते हैं सड़कों पर दौड़ते, 24 घंटे उन पर खतरा मंडरा रहा था कि कभी भी गाड़ी वाला उनको मार के जा सकता है, क्योंकि हमारे पास भागने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। और हिमाचल सरकार पता नहीं कब जागेगी, कब युवाओं के बारे में सोचेगी, कब खिलाड़ियों के बारे में सोचेगी, सिर्फ भी झूठे वादे करते और कुछ नहीं। अब समय आ गया परिवर्तन का, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से प्रभावित हुआ, उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ और निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। सुनील जी, आप स्पोर्ट्स के साथ साथ क्या चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रहे हैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद? अगर पार्टी का आदेश होगा और ऊपर से जो भी हाईकमान से आदेश मिलेगा, मैं जरूर अपनी भूमिका निभाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सुनील शर्मा एक एथलीट है और सुनील शर्मा एक समाज सेवक है,
आज तक लोगों की भलाई के लिए हमेशा भागता आया है, और जब जब भी हिमाचल के लोगों को, भारत के लोगों को, या इंसानियत को, या मानवता को मेरी जरूरत पड़ेगी, सुनील शर्मा हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहेगा। वो आपको रोड पर भागता हुआ दिखेगा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो आपको ग्राउंड में भी मिलेगा, और लोगों की समाज सेवा की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहेगा। और अगर जरूरत आन पड़ी तो मैं पूरे हिमाचल का चक्कर भी लगाऊंगा लोगों को जगाने के लिए, एक मैराथन करूंगा जिससे लोगों को जगाऊंगा कि भैया आप जाग जाइए, अब परिवर्तन का समय आ चुका है। वैसे तो अब लहर चल पड़ी है कि परिवर्तन आने वाला है। आप अभी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसी में आप देखोगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जो बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट का माहौल बना हुआ है, और वो कांग्रेस को भूल गई, अब आपको टारगेट कर रही है। कांग्रेस को तो भूल ही गई हो, बट अब जमाना आ गया, अब सी ग्रेड और बी ग्रेड का जमाना जा चुका, अब ए ग्रेड का जमाना आ रहा है। तो अब ऐसी लहर आने वाली है कि ये बीजेपी और कांग्रेस आपको उठती हुई नजर आएगी।